हेलो गुड मॉर्निंग एवरी वन झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है तो दोस्तों आज है 21 फरवरी और हम लोग यहां पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर छह बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है और डेली शाम के सात बजे वहां पर पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है तो आप पी टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए हम लोग यहां पर आज इक्कीस फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं चलिए हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं और आज का पहला प्रश्न है झारखंड के किन दो छात्रों का चयन जापान के सुखरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ है झारखंड के किन दो छात्रों का चयन जापान के सुखरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ है तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों दोनों का ही यहाँ पर चयन सुक्रा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ है तो ये कौन कौन है पहले हैं रोहित कुमार और दूसरे जो है वो कौन है दूसरी जो है वो राधिका कुमारी हैं तो रोहित कुमार और राधिका कुमारी दो इन दोनों का ही जापान के सुा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए इनका चयन हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा तो यहां पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये जापान के सुक्रा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं मारवाड़ी प्लस टू स्कूल के छात्र रोहित कुमार एवं एस एस प्लस टू उच्च विद्यालय चिल्दा की छात्रा राधिका कुमारी का चयन जापान के सुक्रा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ है जापान के सुक्रा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एशियाई देशों के विद्यार्थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा ठीक है रोहित कुमार और राधिका कुमारी का चयन जापान के साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चयन हुआ है ठीक है तो यहां पर यह प्रोग्राम जो है वो इसके तहत एशिया के जितने एशियाई जितने आ, विद्यार्थी होते हैं वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विचारों का आदान प्रदान करते हैं अपने विचार रखते हैं उस मंच में चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है इकतालीसवीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के मास्टर एथलीटों ने कितने मेडल जीते हैं इकतालीसवीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के मास्टर एथलीटों ने कितने मेडल जीते हैं तो इसका सही आंसर जो तो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा कुल बीस मेडल जीते हैं कितने मेडल जीते हैं कुल बीस मेडल जीते हैं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के मास्टर एथलीटों ने तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहां पर डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं इकतालीसवीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के मास्टर एथलीटों ने कुल बीस मेडल जीते हैं कितने मेडल कुल बीस मेडल जीते हैं चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय भारत ओपन डेड लिफ्ट चैंपियनशिप में झारखंड के किन दो खिलाड़ियों को स्ट्रांग माइन का खिताब दिया गया है दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय भारत ओपन डेड लिफ्ट चैंपियनशिप में झारखंड के किन दो खिलाड़ियों का को स्ट्रांग मैन का खिताब दिया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों को ही यहां पर स्ट्रांग मैन का खिताब दिया गया है तो ये कौन कौन है पहले हैं विनय बनर्जी और दूसरे जो है वो कौन है धनेश्वर राय हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों को ही यहां पर स्ट्रांग मैन का खिताब दिया गया है जो कि दिल्ली में आयोजित की गई थी भारत ओपन डेड लिफ्ट चैंपियनशिप चलिए यहां पर डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय भारत ओपन डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में झारखंड के विजय बनर्जी और धनेश्वर राय को स्ट्रांग मैन का खिताब दिया गया है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में प्रथम स्थान आने पर किन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है तो इंदिरा गांधी इस नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में प्रथम स्थान आने पर किन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है किन्हें गोल्ड मेडल दिया गया है तो ये है इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा रूमा भारती को किन रूमा भारती को गोल्ड मेडल यहां पर प्रदान किया गया है तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा तो ये रूमा भारती कौन है चलिए इनके बारे में यहां पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर जो है वो सेल की यहाँ पर रांची इकाई में महाप्रबंधक उमा भारती को मेधावी प्रदर्शन करने पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान आने पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है यह पुरस्कार केंद्रीय एच मंत्री रमेश पोखरियाल ने प्रदान किया है ठीक है तो ये कौन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल रांची यूनिट की जो यहां पर वो क्या है महाप्रबंधक है उमा भारती और उन्हीं को गोल्ड मेडल दिया गया है इग्नू में प्रथम स्थान आने पर तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है मानव व्यापार डायन प्रथा के खिलाफ बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किसे सम्मानित किया है मानव व्यापार डायम प्रथा के खिलाफ बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किसे सम्मानित किया है तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार जायसवाल को किन्हें सम्मानित किया गया है अजय कुमार जायसवाल को मानव व्यापार और डायम प्रथा के खिलाफ बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इन्हें सम्मानित किया है तो ऑप्शन नंबर सी <्राँ> इज राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर डिटेल्स में इनके बारे में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आशा संस्था के सचिव अजय कुमार जायसवाल को सम्मानित किया है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार को उन्हें सम्मानित किया तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अजय कुमार जसवाल को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आशा की ये संस्था है और इन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है बेहतर कार्य के लिए जो यहाँ पर मानव तस्करी जो होती है उसके खिलाफ और डैम प्रथा के खिलाफ बेहतर कार्य करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है झारखंड का रजरप्पा परियोजना किस वित्तीय संस्था की सहायता से चलाई जा रही है झारखंड का रजरप्पा परियोजना किस वित्तीय संस्था के सहायता से चलाई जा रही है तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक की मदद से चलाई जा रही है किसके मदद से वर्ल्ड बैंक की सहायता से, तो right से चलाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक आया है तो इससे संबंधित जो है फैक्ट देख लीजिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी वर्ष 1944 ईस्वी में हुई थी कब हुई थी इसकी स्थापना वर्ष 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है वाशिंगटन डीसी में है कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और जो इसके अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है डेविड मालपास हैं इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है डेविड मालपास हैं तो ये आप ये इतना याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के बारे में

चलिए यहाँ पर डिटेल्स में इनके बारे में देख लेते हैं इस पार्टी के बारे में तो जमशेदपुर पूर्वी सीट से विधायक एवं पूर्व मंत्री सरयू राय ने अपनी नई पार्टी संगठन बनाई है जिसका नाम रखा है उन्होंने क्या भारतीय जन मोर्चा तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसके संस्थापक कौन है सरयू राय है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं और यहां पर आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर डे है ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए रांची जमशेदपुर झरिया या फिर धनबाद तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर होगा कमेंट करके आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा पिछले क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर मैक्सिमम लोग सही आंसर किए थे कमेंट किए थे इसका भी कोशिश करिएगा आप लोग कि सही आंसर कमेंट करने की की ठीक है तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज झारखंड की, की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि अन्य लोग भी पर जुड़ सके और यहां पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सके